हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गर्ल्फ आइडिया पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। सबसे पहले अपडेट यह है कि दोस्तों, कुवैत के जो अटॉर्नी जनरल दरारा अल ओवैसी ने कल स्थानीय टीवी प्रस्तोता को हिरासत में लेने का आदेश दिया और खाड़ी राज्य और उसके सशस्त्र बलों का अपमान करने के बाद उसे चार्ज करने के बाद एक जाँच लंबित कर दी। अल कब्बास ने एक आधिकारिक सूत्र के हवाले से बताया कि आंतरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद अल असौसी ने टीवी एंकर दलिया बदरार पर आरोप लगाया था। और दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि दोस्तों, रमज़ान के दौरान जो कर्फ्यू का जो टाइमिंग होगा वो चेंज कर दिया गया है। जो कर्फ्यू का जो टाइमिंग होगा, शाम 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक होगा। इसके दौरान ना आप घर से बाहर निकल सकते हैं, ना आप कोई सामान वगैरह ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई सामान लेना है तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम चार बजे के दौरान ही ले सकते हैं। और तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने ये फैसला लिया है कि जो भी वीज़ा के खिलाफ कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए 6 मेंबर को तैयार किया जा रहा है। हर मेंबर को ये ऑर्डर दिया जाएगा कि जो भी वीज़ा कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें।